चलें अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। एंड इस न्यूज को लेकर मुझे एक गट फीलिंग है कि शायद इसमें से प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2024 में। एंड प्रीलिम्स के अलावा जो दूसरे पीएससी के एग्जामिनेशन होने हैं, एसएससी के जो एग्जामिनेशन हैं, या फिर ऐसे दूसरे एग्जामिनेशन रेलवे वगैरह के जिसमें जनरल स्टडीज आती है, उसमें भी शायद इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड कुछ आ सकता है। काफी कंट्रोवर्सी भी इस न्यूज को लेकर रिसेंटली बन गई है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो खबर यह है कि एंजिलो मैथ्यूज ऑफ श्रीलंका गिवन टाइम्ड आउट इन वर्ल्ड कप 2023 मैच बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। दिस इज समथिंग दैट नेवर हैपेंड एवर इन क्रिकेट हिस्ट्री। मतलब ये कि श्रीलंका और बांग्लादेश का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मैच चल रहा था, उसमें एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट में एंजिलो मैथ्यू को आउट दिया जाता है। किस तरह से आउट दिया जाता है? टाइम्ड आउट। जैसे आउट होने के कई सारे तरीके होते हैं, आपको कैच कर लिया गया, या फिर आप बोल्ड हो गए, या फिर एलबीडब्ल्यू हो गए, ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको आउट करार दिया जाता है एक बैट्समैन को क्रिकेट में। तो अगर आपने बोला कि साहब आप एलबीडब्ल्यू आप आउट हैं, एलबीडब्ल्यू आउट है, मतलब आपका लेग बिफोर द विकेट हो गया, या फिर आपने एक शॉट खेला कैच हो गया तो आप आउट हो गए, तो आप आउट हैं। कैसे आउट हैं? कॉट आउट हैं या फिर कैच आउट हैं। इस तरीके से अलग अलग आउट होने के तरीके होते हैं। तो कई सारे क्रिकेट फैंस को इनफैक्ट पता भी नहीं था कि एक तरीका होता है जिसकी मदद से आउट दिया जा सकता है, इसको बोला जाता है टाइम्ड आउट। आज तक क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बैट्समैन को टाइम्ड आउट नहीं दिया गया था, पहली बार यह हुआ है क्रिकेट के इतिहास में कि एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका के, उनको टाइम्ड आउट के तहत आउट करार दिया गया है। इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी जो है खड़ी हो गई है, उस पर भी बातचीत करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी है। बट पहले समझ अपने लिए जो काम की चीज है वो यह है कि जो टाइम्ड आउट होता है यह क्या चीज है। कई सारे लोगों को, जो कि हम इंडियंस हैं, क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए हैं, हम में से भी कईयों को पता ही नहीं था कि ये टाइम्ड आउट भी एक तरीका होता है जिससे आउट हो सकता है। तो इस पर थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे, मगर ये अपने को ध्यान रखना है कि पहला व्यक्ति जो क्रिकेट में टाइम्ड आउट हुआ है उसका नाम एंजेलो मैथ्यूज, और इसके पहले ये चीज कभी क्रिकेट के इतिहास में किसी भी फॉर्मेट में नहीं हुई। अब पहली चीज तो ये कि ये टाइम्ड आउट होता है क्या है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, या फिर व्हाट इज द रूल ऑफ टाइम्ड आउट। जब आप किसी क्रिकेटर को जैसे कैच आउट देते हो, एलबीडब्ल्यू आउट देते हो, आपका रन आउट देते हो, इसके अपने अपने नियम नियम हमको पता है, उसी तरह से किसी क्रिकेटर को जब टाइम्ड आउट के तहत में आउट दिया जाता है तो उसका क्या रूल है उसको देख लेते हैं। After the fall of wicket or retirement of a batsman slash batter, the incoming batsman slash batter must come on crease and be ready to face the ball within 2 minutes of dismissal or retirement. If this requirement is not met, then the incoming batsman slash batter will be timed out. TV umpire monitors the 2 minute and then relays the message through the on-field umpire to players. मतलब ये कि अगर कोई batsman out होता है या फिर रिटायर होता है, जनरली रिटायर्ड हर्ट होता है या किसी वजह से अगर रिटायर हो जाता है कोई बैट्समैन, अगर आपका आउट हुआ या रिटायर्ड हर्ट हुआ तो वो बाहर जाएगा और उसकी जगह पे फिर अगर अगला बैट्समैन है तो वो खेलने के लिए आएगा। तो जो बैट्समैन आउट होके बाहर जा रहा है और उसके बाद जो अगला बैट्समैन आना है उसको 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पर पहुंचना पड़ता है और अपना वहां पर जाकर जो है अपनी नेक्स्ट बॉल को फेस करना पड़ता है। नियम यह कहता है कि जो इनकमिंग बैट्समैन है अगर वो 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पर नहीं आया तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको आउट करार दिया जाएगा और उसको जिस पर्टिकुलर चीज और उसको जो आउट करार दिया जाएगा उसको कहा जाता है टाइम्ड आउट। याद रखिएगा नियम क्या कहता है, अगर एक बैट्समैन आउट होता है तो उसके आउट होने के बाद में अगर अगला बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आने के लिए बचा हुआ है तो फिर वो कितनी देर में उसको क्रीज पर पहुंचना पड़ता है, उसको 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पर आकर अपना क्रीज लेना होती है, संभालना होती है और फिर उसको नेक्स्ट बॉल फेस करना होती है। अगर आप 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पर नहीं पहुंचे तो फिर आपको आउट करार दिया जाएगा और इसको बोला जाता है टाइम्ड आउट। ठीक है, अब ये 2 मिनट गिनता कौन है, या फिर आप बोलोगे भाई ये पर्टिकुलर बैट्समैन आउट हो गया और अब आपके 2 मिनट शुरू हो गए हैं, अब इतनी देर में आपके 120 सेकंड या आपके 2 मिनट खत्म हो जाएंगे, तो ये 2 मिनट गिनता कौन है? तो इसका ही जिम्मेदारी टीवी अंपायर के ऊपर होती है, वो मॉनिटर करता है कि ये 2 मिनट जो है अभी पूरे हो गए हैं या नहीं हुए हैं। और अगर लेट से 2 मिनट पूरे हो गए, बैट्समैन आके जो है क्रीज पर नहीं आया या बॉल खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब फिर वो ये इन्फॉर्मेशन रिले कर देता है ऑन फील्ड अंपायर को और वो फिर दूसरे प्लेयर्स को बताते हैं और आपका जो ये बैट्समैन है इसको टाइम्ड आउट करार दिया जाता है। तो ये जो है नियम है। अब यहां पे कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि एंजेलो मैथ्यूज के पहले वाला जो बैट्समैन था वो आउट होके चला गया, एंजेलो मैथ्यूज ऑन टाइम क्रीज पर पहुंच तो गए थे बट क्रीज पर आने के बाद बॉल खेलने के पहले इन्होंने ये देखा, इनका कहना ये है कि इनकी जो हेलमेट है उसमें उनको दिखा कि कुछ दिक्कत है या कुछ उसमें कुछ स्ट्रैप वगैरह निकल गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो क्योंकि अब इनका कहना यह है कि मैंने फिर दूसरी हेलमेट के लिए इशारा कर दिया कि भाई मुझे दूसरी हेलमेट ला दो, मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं, इस
बीच में 2 मिनट पूरे हो गए तो जो बांग्लादेश का कैप्टन था शाकिब उल हसन, उसने अंपायर से बोला कि साहब इसने 2 मिनट पूरे हो गए और इसने बॉल नहीं खेली, तो मैं टाइम आउट के लिए जो है अपील कर रहा हूँ। तो अंपायर ने भी उसको समझाया, कंसिडरेशन में लिया कि भाई आप एक बार सोच लो, ये सही तरीका नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। मगर उसने बोला नहीं, अगर एज पर द रूल्स ये आउट होते हैं तो फिर मैं चाहता हूं कि भाई इनको आउट किया जाए। तो फिर उसके बाद में इनको टाइम आउट दिया गया। एंजिलो मैथ्यूज का कहना यह है कि मैं आके खड़ा हो गया हूँ वहां पे बैटिंग के लिए, दिख रहा है कि मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आ गया हूँ, मैं और मेरी ये जो आपका हेलमेट की स्ट्रिप है वो निकल गई है, उसके बिना अगर मैं खेलूंगा तो सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इतना तो समझना चाहिए, इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या कॉमन सेंस होना चाहिए। आपने उसका मुजाहरा नहीं किया, आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को शो नहीं किया, कॉमन सेंस तक शो नहीं किया, और इस तरीके से रूल्स का मैनिपुलेशन एक तरीके से करके आपने मेरे खिलाफ लिया है, ये चीज ठीक नहीं है। बाकी खैर इसके ऊपर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी शायद कुछ एक्शन वगैरह लेना चाहता है, आईसीसी वगैरह से कंप्लेंट करेंगे और वो उसके लिए पूरा अपना जो वीडियो वगैरह का निकाल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। कॉन्ट्रोवर्सी अच्छी खासी बनके खड़ी हो गई है, मगर नियम ये कहता है कि कोई व्यक्ति कोई बैट्समैन अगर 2 मिनट के अंदर अंदर क्रीज पर आके बॉल खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो टाइम आउट दिया जा सकता है। अब ये घटना अभी घटी है नवंबर के महीने में, प्रीलिम्स होना है मई या जून के महीने में, तब तक ये खबरबाजी हो जाएगी और इसके ऊपर जनरली कोई डिबेट एंड डिस्कशन होगा नहीं। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रीलिम्स में लगभग 2 साल का जीएस पूछा जा सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स का एक बर्निंग इशू रहेगा और इसके ऊपर सवाल बनता है। मान लेते हैं कि प्री में नहीं भी आया तो पूरी संभावना है कि किसी स्टेट की पीएससी में फंसेगा, आपके जो रेलवे के एग्जामिनेशन आने वाले समय में भर्तियां निकलेंगी उसमें पूछा जा सकता है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आ सकता है, बैंकिंग के जीएस में जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है, इसके अलावा आरआरबी और बाकी सारे जो पेपर होते हैं आरबीआई वगैरह के उसमें भी आ सकता है। ये एक पर्टिकुलर न्यूज है जिसपे मुझे गट फीलिंग है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसेगा जरूर। तो याद रखना है टाइम आउट क्या होता है, कितनी देर में आपको पहुंचना पड़ता है और अगर नहीं पहुंचे तो फिर क्या होगा। और पहला व्यक्ति जो अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से आउट हुआ है वो है अपने एंजिलो मैथ्यूज। तो इतनी बातें हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में अपने को ध्यान रखनी है। चले आगे बढ़ते हैं।